बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ्तारी में जाम शरी की जगह ब्लैक लेबल तो नहीं चढ़ाई? शैला रज़ा ने शर्मनाक ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पर हलचल। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एहसास चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर जाके क्लिक कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा ने ARY के एंकर आदिल अब्बासी को अडल्ट अब्बासी कह दिया, सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। शैला रज़ा की शबाज़ गुल से नोक झोंक भी हुई। हुआ कुछ यूं कि कल पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा ने ARY के एंकर आदिल अब्बासी के शो में शिरकत की थी और अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं इस वक्त ARY के अडल्ट अब्बासी के शो में मौजूद हूँ। शैला रज़ा ने इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे शुरू हो गए कि मोहतरमा आज अफ्तारी के बाद कहीं जामेश्री की जगह मशरूब मगरिब तो पी कर नहीं आई? शुक्रिया मैडम, आपने बता दिया, हम चैनल तब्दील कर लेंगे, रमज़ान में कम पिया करें। शैला रज़ा के इस ट्वीट पर डॉक्टर शबाज गुल सबसे आगे रहे। डॉक्टर शबाज गुल ने मजाहिया तबसरा करते हुए लिखा कि शैला रज़ा साहब, आप ना होती तो क्या होता, जिस पर शैला रज़ा डॉक्टर शबाज गुल पर भड़क उठी और कहा, चचा ख्वा आपकी खातर फारिग नहीं हूँ, रीचेक ना कर सकी, इस तरह की घटिया मेहनत की आपके नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लगे रहें। जिस पर डॉक्टर शबाज गुल ने जवाब देते हुए लिखा कि आपा आप तो गुस्सा ही कर गई, मेरा मतलब है कि आप ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि आदिल की अंग्रेज़ी अडल्ट होती है, यहाँ तो जिनके नोटिफिकेशन जरदारी के हैं वो भुट्टो बने हुए हैं और चेयरमैन लगे हुए हैं, आपके मियाँ हमारे मोहतरम भाई जान यकीनन जनती आदमी हैं, यकीनन जनती आदमी हैं। याद रहे कि शैला रज़ा इससे कबल भी ऐसे ही ट्वीट कर चुकी हैं, कुछ रोज़ कबल जब बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की मौत हुई तो शैला रज़ा ने इजहार करते हुए लिखा कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि बॉलीवुड एक्टर इरफान खान कैंसर के ख़िलाफ़ जंग हार गए। एक ट्वीट में शैला रज़ा ने कुछ सार्फीन को एंकर इमरान खान का प्रोग्राम देखने के लिए दुनिया टीवी और GNN देखने का मशवरा भी दिया। शैला रज़ा ने लिखा कि दुनिया टीवी देखें जहां मैं एंकर इमरान खान के शो में GNN पर हूं।